प्रेगनेंसी क्या है, कब होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कौन सी स्थिति और कौन से दिन पॉजिटिव बताता है, और साथ में पीरियड्स किस कारण शुरू होता है। प्रेगनेंसी वास्तव में अमेजिंग प्रोसेस है जो शरीर के लगभग हर सिस्टम को प्रभावित करता है। प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लगातार बढ़ता है और इससे पूरे शरीर में एनाटॉमिक और फिजियोलॉजिक परिवर्तन होते हैं। अब सब कुछ ओव्यूलेशन से शुरू होता है तो चलिए उस दिन को जीरो कहते हैं। उस दिन ओवरी में ओरियन फॉलिकल जो एक ओसाइट या एग होता है और इसके आसपास के ऊतक परिपक्व होते हैं तब ओव्यूलेशन होता है। यह तब होता है जब एग बाहर निकल जाता है जबकि आसपास की संरचना कार्पस लूटियम बन जाता है और जल्दी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना शुरू कर देता है। आमतौर पर एक 12 से 24 घंटों के भीतर एक स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज्ड हो जाता है, उस समय यह जायगोट बनाता है, तो चलिए इसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक दिन बाद होता है। पहले दिन लगभग तुरंत ही कोशिकाएं बार बार विभाजित होने लगती है जब तक कि चौथे दिन ब्लास्टोसिस्ट नामक कोशिका की एक बाल नहीं बन जाता। ब्लास्टोसिस्ट आमतौर पर एक और दिन के लिए यूटेरस के अंदर तैरता रहता है, इससे पहले कि वह पांचवें दिन के आसपास खुद को इम्प्लांट करने के लिए एक विशिष्ट स्थान पाता है। इस बार कार्पस लूटियम एस्ट्रोजन के सापेक्ष बहुत अधिक प्रोजेस्टेरॉन बनाता है और इस प्रारंभिक चरण में इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरॉन से कम अनुपात में एस्ट्रोजन आवश्यक होता है। ब्लास्टोसिस्ट के दो भाग होते हैं, कोशिकाओं का एक आंतरिक सेट जो फिटस यानी भ्रूण बनाता है और कोशिकाओं का एक बाहरी सेट जिसे ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है जो छठे दिन एंडोमेट्रियम में घुस जाता है और अंततः प्लेसेंटा भ्रूण के हिस्से में विकसित हो जाता है। ये ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं आठवें दिन के आसपास ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करना शुरू कर देता है और यह दो कारणों से महत्वपूर्ण है। एक यह कि यह हार्मोन जो कार्पस लूटियम को जानकारी देता है कि एंडोमेट्रियम में एक सफल इम्प्लांटेशन हो गया है और इसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बनाना जारी रखना चाहिए। यह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की निरंतर उपस्थिति है जो अन्य ओवेरियन फॉलिकल को परिपक्व होने से रोकता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि HCG वह हार्मोन है जिसका पता लगाने से अधिकांश प्रेगनेंसी टेस्ट उस छोटे से संकेत को देने में सक्षम होते हैं जो कि 90 दिन की शुरुआत में हो सकता है। HCG लेवल्स के 8वें दिन शूटिंग के बिना कार्पस लूटियम 10वें दिन तक सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल से गिर जाएगा, इससे एंडोमेट्रियम की लाइटिंग धीमी हो जाएगा या एंडोमेट्रियल वॉल से दूर गिर जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप पीरियड्स या मासिक धर्म होगा।